अभी मेरे साथ बात हुई थी जब मेडल जीता था मैं, तो उसके बाद उनका कॉल आया था मुझे। तो कॉल पे उनका पहला शब्द था कि कसा काय भाऊ, मतलब जो मराठी का मेरा लैंग्वेज है होम टाउन का, तो उसमें उन्होंने बात की थी। एंड मैं इतने सालों से देख रहा हूँ उनको कि कोई भी अतिथि कहीं का भी, भारत के किसी भी कोने का हो, उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें वो पहले बात करते हैं। मतलब उसका जो शब्द, उनका सेंटेंस पहले होता है उसी में बात करते हैं। तो वो जो प्लेयर है, एथलीट है, उसको इतना कॉन्फिडेंस फील होता है कि या उनके उनमें कुछ तो बात ऐसी है कि इतना महसूस फील होता है कि बढ़िया सी, कि आनंद फील होता है कि हाँ हमारी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, जो भी है तो बढ़िया फील होता है। तो उस टाइम पे उन्होंने जब बात की थी जब मुझसे, तब ये बताया था कसा काय भाऊ, कसे आहात, आपने बढ़िया अच्छा प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी बढ़िया से खेला आपने, और देश आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताया था। और उन्होंने एक ऐसी भी बात कही थी कि मैं वो सुन के चौक हो गया था। जैसे कि ओलंपिक जाने से पहले हम उनके घर गए थे, सारे जो भी एथलीट्स थे जो ओलंपिक जाने वाले थे उनके घर गए थे तभी। तो मैं लाइन में पीछे, आई थिंक लास्ट से थर्ड लाइन में बैठा था, और मैं शांति से बैठा था का, और मैं बस उनका स्पीच है, जो भी बात कर रहे हैं उनको सुन रहा था मैं। बट उस दिन उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, मैं बोला कि आप मेरे घर आए थे, तब तो मैंने देखा आप शांति से बैठ गए थे, तो मैं वहाँ पे हैरान हो गया कि ये भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो ये उनकी बड़ी बात है कि हर एक चीज़ छोटी छोटी भी होती है उन पर वो नोटिस करते हैं। जब उनके घर गए थे तब पहले तो सबके पूछा था कि आप सबसे यंगेस्ट कौन है जो जा रहा है, और कितनी बार ओलंपिक्स में जा रहे हो, या अब तक का थर्ड ओलंपिक किसका है। तो ये सारी जानकारी जानते हैं वो कि, और उनसे पूछा भी ताकि उनसे कुछ प्रेरणा मिले, मतलब जो नए नए एथलीट है जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना है, वो उनसे पूछ रहे थे कि आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे, ताकि जो पहली बार जा रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि वहाँ जाके खेलने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। उनका ऐसा कहना है कि आप खेलते रहो देश के लिए, सबके लिए, बट जो अपने बड़े लोग हैं, जो अपना कोच है, उनका सम्मान करना बड़ी बात होती है, वो उसके लिए आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक बात उन्होंने ऐसी भी कही थी कि जो एथलीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप एक क्लीन होके गेम खेलना है। जो आप अभी देखते हैं हम कि एंटी डोपिंग और सब चीज़ें होती रहती है किसी खेल खेल में, तो वो उनका एक कहना था कि आप खेलते रहो और क्लीन खेलो, ताकि आप आपका देश का नाम, आपका खुद का नाम अच्छी तरीके से वहाँ पे ऊंचा हो जाए।